आउट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित रावत और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी भाई पे। अभी 4:30 हो रहा है इवनिंग के टाइम और मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है क्योंकि कल के दिन भर जो है बारिश चल रही थी और मौसम ठंडा हो रखा था और अभी बन रही इवनिंग की चाय। ये मेरा भाई अजीत और ये परसों आया कोटद्वार से और ये चाय बना रहा है अभी। इसको पता नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ रखी रहती है, तो इसको बताया मैंने अभी और दूध तक डाल दिया इसने है। और ये किचन अभी भाभी और आए मेरे, उन्होंने सजा रखा है नए तरीके से और यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ था तो उसके बाहर का ये लगा हुआ है बस खाली। और ये देखो चम्मच वगैरह वैसे ही ताके हुए हैं और ये बर्तन कुछ यहाँ पे रख दिए, लोटे गिलास। तो अभी चाय बन रही और चाय पी के जाएंगे ऊपर। और ये चाचा चाचा हमारे राहुल चाचा, हेलो तो कर दे, हंस क्यों रहा है। और 4:30 टाइम हो रहा है अभी और ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है अभी। ये देखो बादल लगे हुए, ये तो बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये देखो इधर ऊपर। और मैंने बोला था आपको सुबह पिछली वीडियो में कि सुबह के टाइम गांव खाली सा रहता है और इस टाइम अभी ये देखो इधर लड़के आए हुए हैं ऐसे और हम जा रहे हैं आज वॉलीबॉल खेलने। मैं आपको बताऊंगा कि इवनिंग का हमारा टाइम पास कैसे होता है, फिलहाल एक बार मौसम देख लेते हैं। नई स्टाइल की चाय बना दी इसने, दूध पहले डाल दिया और चीनी चाय पत्ती डालना ही भूल गया। अच्छा आपके कोटदार में ऐसे ही बनती है ना। और चाचा चाचा एक थोड़ा सा गाना यार, कोई भी थोड़ा सा माहौल बनता है यार, थोड़ा यार एक लाइन कोई तो बात होली मैं मना पूछा कोई गड़बड़ गाना यार। एक बार पिछली वीडियो में कमेंट आया था तो शायद इनका मूड बन जाए तो गा देंगे, गा दो यार। खुटी आलेगे आलेगे भीड़ माँ खुजानी खुजानी कैसनी मैं पताच कोच वे को मन बसायो कोच वे को मायादार सुदित कुई नी देख दो कैसनी सुरख खिड़की खोली सुरख। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा गया। हेलो भाई। बहुत अच्छा गया आपने और माहौल बना दिया इन्होंने। पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि एक गाना जरूर गा देना आप और राहुल चाचा ने गा दिया गाना। मैं इनका नाम लेता रहता हूँ अक्सर वीडियो में जब ये दिखते हैं क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने गाना गाया था। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? वॉलीबॉल खेलने। हमारा जो इवनिंग का टाइम पास है वो वॉलीबॉल में होता है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वॉलीबॉल में हमारा टाइम पास कैसे होता है। और हर किसी के जुबान पर आजकल यही है, देखो हर किसी की जुबान पर एक ही नाम, वो है भांग। गांजा नहीं यहाँ। ये वैसे ठूंगने वाला हर पहाड़ी की जुबान पे यही आजकल। इनको भी देखो अभी मेरे भाई ने, छोटा भाई है मेरा अजीत नाम है इसका, और उसने चाय बना दी ये देखो। और इवनिंग की चाय पी रहे हम दोनों भाई और मम्मी भाभी गई है खेत में अभी शायद। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सुबह के टाइम जो है महिलाएं लकड़ी के लिए जाई रहती है और इवनिंग के टाइम में उनके पास जो है ज़्यादा खास काम नहीं होता। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उनका टाइम पास होता है इवनिंग में और हमारा टाइम पास कैसे होता है। तो अभी इस समय जो है गाँव में हलचल मची होगी, एकदम रौनक आई हुई है और सुबह के टाइम ऐसा लगता है एकदम खाली सा लगता है तो कुछ मज़ा नहीं आता यार। अभी दिखाऊँगा आपको। और राहुल चाचा की बकरी आ गई सुबह से गई थी 9-10 बजे और अब आ रहे हैं यहाँ पे 4:30-5 बजने वाले हैं, अब आ रही है। अगर आपको भी चाय पीनी है हमारे साथ तो कांटेक्ट जरूर करना, साथ में चाय पियेंगे मस्त वाली टपरी में बैठ के चाय पियेंगे। कोटदार में बनाता तू चाय? नहीं नहीं। पर यहाँ तो तूने बढ़िया बनाई यार, पहली बार बना रहा है क्या? कभी कभी बनाते हैं, स्पेशल चीजें कभी कभी होती है। अब डेली बना देंगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगी हमारी चाय की। तो यहाँ तो बनानी पड़ेगी, पहाड़ी लोगों की एनर्जी ड्रिंक है ये। कुछ चाय पीता हूँ, बहुत है ना। सुबह से 7 बार पी चुका हूँ अभी तक। सुबह से कितनी बार पी? 7 बार। किसने बनाई?
उधर देखो बाहुबली, औरतों के बाहुबली। देखो टंकी दिखा रहे हैं खाली, हाँ भरी हुई। और इवनिंग का टाइम पास कम बना यार, इस समय रौनक रहती है गांव में। देखो कहीं पे गुच्ची चल रही, कोई इधर उधर घूम रहा है, कोई जो है धूप सेक रहा है। मैं एक बात बताना भूल गया, अभी सूरज उधर को है और हमारे गांव में धूप जल्दी आ जाती है 7:15 बजे, और भरपूर गांव में जो है ठंड हो गई है, वहां धूप नहीं है क्योंकि वहां जल्दी छाव पड़ जाती है आजकल। और हमारे गांव में धूप जल्दी भी आती है और धूप लेट तक भी रहती है। यहाँ से मैं एक बार देख रहा था तो वहाँ पे देखो कल के दिन पूरी बारिश थी यहाँ, और उधर उधर बर्फ पड़ी। उधर यहाँ से दिखाई तो नहीं दे रहा वैसे, लेकिन उस पहाड़ी में बर्फ पड़ी थी, शायद गल गई है नहीं, अभी कुछ कुछ दिख रही है, कैमरे में दिखाई दे रही। दादाजी अपना बचपन याद कर रहे, देखो गुच्ची खेल रहे। अरे डन हो गया, डन कह दादाजी सुट फॉल हो गया। अभी मैं और अजीत जा रहे हैं खेलने के लिए वॉलीबॉल, और लड़के वहाँ पहले ही चले गए हैं। और ये दीदी हमारी, दीदी बोलो मैं क्या बोलूँ, दीदी तो बोला दीदी ना, हाँ दीदी, ये इनके बैंड बाजे हैं, वो बाजे हैं बारात में, और दादी और यहाँ पे धूप सेक रही है। ये देखो वहीं पे खेलते हैं हम। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो लिंक आप यहाँ पे आई बटन पे चेक कर लेना, वहाँ पे दे दूँगा और आप देख लेना। इस समय गांव में जो है रौनक आई हुई है, लोग घूम रहे इधर उधर, टाइम पास कर रहे, कोई गुच्छी में, कोई वॉलीबॉल में, कोई कुछ में। ये देखो सूरज अभी इस तरफ है, और 4:30-5 बजे जो भरपूर गांव में कितना अंधेरा हो गया। देखो ऐसे लग रहा है कि रात हो गई होगी वहाँ, उन लोगों को जो है काफ़ी ठंड लग रही होगी इतनी जल्दी से, और हमारे गांव में काफ़ी देर तक रहती है धूप। ये वही वाला नल जिसमें मैंने पानी भरा था, पाइप लगाया गया अभी यहाँ पे, क्योंकि परसों जो दादाजी ख़त्म हुए थे उनका काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखो अभी कल शाम को और फिर दिन में जो है काम है परसों, तो ये लकड़ियाँ अभी उनकी इन्हीं के लिए थी, उनकी 13वीं है अभी। ताऊजी भी खेल रहे, ताऊजी कोटदार से है पता, आपने देखा होगा सम मेमोरी ऑफ 2020, तो उसमें ताऊजी जो है ढोल बजा रहे थे, देखो वो भी खेल रहे हैं, मजा ले रहे हैं यहाँ पे। और ताऊजी को गांव जो है काफ़ी पसंद है, तो अभी ये लोग खेल रहे हैं और मैं भी खेलूँगा अभी। ऐसा होता है कि जब आप गांव में हो और आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो शहरों में होंगे, तो वो फ़ोन करते हैं कि भाई आजकल इवनिंग में क्या खेल रहे हो, क्या टाइम पास कर रहे हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये देखो यही टाइम पास है आजकल तो चल रहा है, पहले क्रिकेट खेलते थे और अब आजकल जो है यहाँ पे हमने एक ग्राउंड बनाया है, तो जो है यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। और पीछे से जो है हल्की हल्की धूप पड़ रही है, इवनिंग के टाइम है अभी, तो धूप तो पड़ेगी भाई ऐसे, क्योंकि सूरज इस तरफ को है, जब सूरज उगता है तो हमारे घर की तरफ से उगता है और इस तरफ ढल रहा है इधर। ओहो गजब फॉल, ये भाई जी ये सर्विसर हैं, और ये राहुल शॉटर, और ताऊजी रेज कर रहे हैं, और ये सेंटर सेलेस काफी अच्छा खेलता है सेलेस। तुम क्या नहीं खेलना चाहो? अच्छा आज
आज तो काफी भीड़ हो गई यहाँ पे, ज्यादा लोग हुए। काफी सुहाना मौसम हो रखा है और वॉलीबॉल चल रहा है, काफी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे मजा लेते हुए आजकल गांव के लड़के लॉकडाउन में इस टाइम पास। ये देखो यहाँ से बॉल उस पार चली गई है, और यहाँ पे हमने ये जाली इसीलिए लगा रखी थी क्योंकि बॉल जब नीचे जाती है तो उसके लिए रोका जाता है। देखो, और ये भैरोखाल मंदिर का पूरा एरिया, भैरव देवता के नाम से ये एरिया है। अरे यहाँ पे खेलते समय फन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, और फुल जो है मजाक वगैरह चलता रहता है। आउट है। अभी यहाँ पे ऐसे ही फन चलता रहता है, काफी अच्छा मजा आता है यहाँ पे, और मैं भी खेलने वाला हूँ। फिलहाल मैं अपनी जैकेट जो है यहाँ पे उतार देता हूँ क्योंकि अभी धूप है और गर्मी होने वाली है। ओ भाई अभी टाइम हो गया, 6 बज गए और हम जो है खेल के आगे नीचे से ऊपर के लिए जा रहे हैं हम, क्योंकि ये अजीत दौड़ मारने के लिए जा रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा है, और आई होप कि जल्दी से आर्मी में ज्वाइन हो जाए। तो अभी हम खेल के आ गए हैं और वीडियो की एंडिंग करने वाले हैं गढ़वाल में, और मेरे साथ ये है। तो अगर आपको हमारी ये जो वीडियो है, हमारा जो खेल है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और पहाड़ी भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, शेयर करें।